नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र हैं, जिन छात्रों ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती पद के लिए आवेदन किया था, तो उन सभी छात्रों के लिए आज की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को मिलेगी ये स्पेशल ट्रेनिंग एंड बचे हुए छात्रों का नियुक्ति पत्र इस दिन तक मिल जाएगा। तो गाइस, आपको सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स एंड कम्प्लीटली लाइव प्रूफ बताया जाएगा। बस आप सबको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर सकूं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली गाइस, मैं आपको यहां पे दिखा दूं, आपको यहां पे स्क्रीन पे साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहे होंगे। यहां पे क्या आपको बताया जा रहा है कि यूपी पंचायत सहायक रिक्वायरमेंट 2021 पंचायत सहायक भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को, यहाँ पे देख सकते हैं, उम्मीदवारों को मिलेगी ये स्पेशल ट्रेनिंग। देखें डिटेल। तो गाइस, पहले हम सब इन सारे न्यूज़ को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कि बचे हुए छात्रों को कब तक मिल जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको साफ साफ शब्द में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायक भर्ती का मामला फिलहाल कोर्ट में है। गौरतलब है कि 58,189 ग्राम पंचायत सहायक पदों पर होने वाली इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया बीते महीने पूरी हो चुकी थी। अब इनकी मेरिट लिस्ट तैयार कर उम्मीदवारों की नियुक्ति का इंतजार था। जानकारी के अनुसार मेरिट प्रक्रिया पूरी कर चयनित उम्मीदवार को 17 सितंबर तक नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन मामला कोर्ट में जाने की वजह से अभी तक ये संभव नहीं हो सका है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्केल करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ तक अभी तक संभव नहीं हो सका है। बता दें कि फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लखनऊ खंडपीठ द्वारा इसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को की जाएगी। तो गाइस, 13 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई की जाएगी। उसके बाद गाइस, यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, देखिए क्या है कि सुनवाई की बाद उम्मीदवार को जल्द नियुक्ति दी जा सकती है। नियुक्ति के बाद चयनित उम्मीदवार को कुछ खास ट्रेनिंग लेने पड़ सकती हैं। ये ट्रेनिंग क्या है, कैसे होगी, इसकी जानकारी नीचे साझा की जा रही है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ये है ट्रेनिंग के मतलब ये ट्रेनिंग लेनी होगी। तो कैसे आपको ट्रेनिंग लेनी होगी उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि यूपी पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को बता दें कि संविधान में 73वें संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन तब उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग का कोई ट्रेनिंग संस्थान नहीं था, जिसके कारण नव निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता था। ऐसे में तत्कालीन राज्य सरकार ने प्रशिक्षण कार्य हेतु लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में बिल्डिंग का एक निर्माण कराया गया था, जहां पंचायत सहायक के छात्र सॉरी यहां पे क्या है पंचायत सहायक छात्र के मतलब पंचायत चुनाव के निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधियों से प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, ऐसा अनुमान है। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेंडिंग वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है naukritime.com। आपको गूगल पे आना है, naukritime.com सर्च करना। सर्च करने के बाद इसका ऑफिशियल लिंक फर्स्ट लिंक पे आ जाएगा, आपको क्लिक करना है। तो गाइस, इस वेबसाइट के माध्यम से आप कोई भी एडमिट कार्ड हो या लेटेस्ट जॉब हो या कोई आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से कुछ फिलअप कर पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आपको कोई लेटेस्ट जॉब हो या लेटेस्ट एडमिट कार्ड हो या लेटेस्ट बिहार अपडेट हो, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप तुरंत से विजिट करके यहाँ पे देख पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है कि पंचायत सहायक की भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद नियुक्त उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए लखनऊ स्थित प्रशिक्षण केंद्र में बुलाया जा सकता है। तो गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका जब भी आपका प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, आपको लखनऊ के प्रशिक्षण केंद्र में बुलाया जाएगा। एंड गाइस, अब बात करते हैं कि आप सभी का जिन छात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है उनको नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, 13 अक्टूबर तक आपका क्या है डिसीजन आने वाला है कि आपका जो भी आपका ये ग्राम पंचायत सहायक भर्ती वाला पद है उसका आवेदन आएगा, मतलब 23 तक डिसीजन आ जाएगा कि आपका ये किन किन छात्रों का सिलेक्शन करना है। तो जिन छात्रों का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है उनका 13 अक्टूबर के पहले ही आएगा, जहां तक उम्मीदें हैं। अभी आपको गाइस यहां पे आपने आर्टिकल में सारी चीज़ें इसके बारे में बेसिकली जान लिया होगा, तो आप अब अपना दिमाग मत दौड़ाओ, ज़्यादा वीडियोस मत देखो कि अभी आपका यहां पे नहीं आया। लाइक बहुत से छात्र क्या बोल रहे हैं कि सर अभी मेरे ज़िले का जारी कब होगा, तो जिला वाइज जारी किया जा रहा है, लेकिन अभी आप लोग जो देख रहे हो कि आज इन जिलों का जारी हुआ, कल इन जिलों का जारी हुआ, तो ऐसा नहीं हो रहा है। आपका जितने छात्रों का जारी कर दिया गया है उन्हीं का अभी तक जारी किया गया है, कुछ कुछ बच्चों का जारी किया जा रहा है जो जिन जिलों में। तो अगर आपको इसका अपडेट लेना है तो आप अपने ब्लॉक में जाके उसका पता लगा सकते हैं कि आपका नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं।
तो आपका अगर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में बोलना ताकि मैं और बच्चों को अपडेट दे सकूं। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसके रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए मैं आप सबको अपडेट करा सकूं। तो गाइस मिला जुला के आपका 13 अक्टूबर से पहले आपको सब कुछ यहाँ पर आप सारी प्रक्रिया ले ली जाएंगी। तो बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो।